okay in our previous classes we were discussing about the geography of pakistan so i hope so the questions related to geography of pakistan are very clear to all of you and uh, you are not having any question regarding that so if you have you could discuss that otherwise we will move towards other parts that are supposed to be discussed today there was a reason why we were uh, starting from geography of pakistan because i do believe that unless you okay i do believe that unless you uh, do not know about the physical geography of your country uh, you cannot understand the politics of that very country because uh, uh, your strategic location and your resources and every other thing that is very much important because it defines what your country is and how this is going to function in international political arena. So it is being said that Pakistan is uh, rich in natural resources but poor in management. So you have come across all the things that why Pakistan is very much rich in natural resources and why it is poor. So we will discussing such things. So baral, today we will start from the overall history of Pakistan. And uh, uh, Kaidy Adam had said the day. फर्स्ट मुस्लिम एंटर्ड इन सब कॉन्टिनेंट देट डे द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज लेट यानी वो दिन जिस दिन एक मुसलमान ने बरे सगीर में अपना पांव रखा था उस दिन पाकिस्तान की बुनियाद पड़ गई थी so, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इसमें से आप तकरीबन आप सबको चीजें मालूम तो होंगी बट आई विल गिव यू अ थारो टच रिगार्डिंग दैट कि कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से ये आया है एंड आफ्टर देन द थिंग्स गॉट डेटोरिएटेड एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम एंड ट्रेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो टुडे वी विल डिस्कस सच थिंग्स ओके सो वी विल स्टार्ट अवर जर्नी फ्राम सेवन ट्वेल्व

इंक्लूड कर सकते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम से हम इसको शुरू इसी लिए ही कर रहे हैं तो दी अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम स्टार्टेड इन सेवन ट्वेल्व तो ये हमें पता है अच्छा इस पे कुछ बुनियादी चीज़ें हैं मैं हिस्ट्री इतनी उसमें डीप में तो जाऊँगा नहीं मैं सिंपली तौर पर आपको चीज़ें जो है सिर्फ समझाना चाहूँगा ये जो थे वेन ही अटैक्ड इंडियन सब कॉन्टीनेंट ही वॉज ऑफ द एज ऑफ 17. इसकी जो थी इसको जिस बंदे ने भेजा था ठीक है इराक का गवर्नर था सो uh, हजाज बिन यूसुफ बेसिकली वाज द पर्सन हु इससे पहले भी उन्होंने एक दो जंगें लड़ी थी जिसको जो सो so, Uh, हम uh, मुख्तलिफ़ नाम से जानते हैं बरहाल वो जंगे भी जो थी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट uh, थी इन्होंने एक जो है सो अब्दुल्ला बिन हुमेन ये अक्सर सवाल आता है ये फेडरल में एक मरतबा आया था uh, कि मोहम्मद बिन कासिम से वुच पर्सन वाज सेंड अब्दुल्ला बिन हनान जो था ठीक है दिस पर्सन वाज सेंड प्रेयर टू मोहम्मद बिन कासिम एंड वाज डिफीटेड बाई द ऑफ राजा डायर बाकी सारी चीजें आपको पता है मैं सिंपली तौर पे एक दो चीजें आपको सिर्फ बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये जो इनकी जो बैटल हुई थी जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट थी देट वॉज फार्ट इन अरोड ये बस याद रखिएगा क्योंकि कुछ चीजें पूछते हैं ठीक है उसके बाद राजा डाहिर की जो वाइफ थी रानी बाई अच्छा याद रखिएगा ये मैं इसलिए आपको चीजें बता रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ आइडिया हो कि मोहम्मद बिन कासिम वाला जो सीन है हाउ मनी क्वेश्चन आर सपोज टू बी गिविन देट आर वाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ दोज क्वेश्चन कि भाई राजा डायर की वाइफ़ का नाम था भाई रानी भाई उसका नाम था अच्छा वो किस किले में छुप के जो है सो उन्होंने फिर मोहम्मद कासिम से जो है सो लड़ाई की थी देट वॉज uh, रावर फोर्ट ठीक है और इनके पास जो लोग जमा थे जो लड़ रहे थे इसके साथ दी इज़ वर्क फिफ्टीन थाउजेंड इन नंबर अच्छा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल uh, ये फेडरल की टेस्ट में आया है पहले भी और वो आई हैव दोज थिंगस अवेलेबल टू मी ठीक है जस्ट वॉट लेट मी एट दी स्टूडेंट मुसरत वॉइस इज क्लियर वीडियो इज क्लियर आई थिंक ओके सो हम स्टार्ट कर रहे थे यहीं से अच्छा जब इन्होंने ये चीज की है तो uh, सबसे पहले हमें uh, मतलब जो बुनियादी सवाल ये अक्सर हमसे पूछते रहते हैं वो ये है कि राजा डायर का कौन सा बेटा था हुआ एक्सेप्टेड इस्लाम सो देट वॉज जय सिंह ये चीजें थोड़ी आप याद लिखते जाइएगा तो दिस इज गोइंग टू बी मच इजियर कि जय सिंह जो था हैड एक्सेप्टेड ऑफ इस्लाम तो ये एक मुस्लिम बना था इसके बाद भाई कौन सा शहर था जो मुसलमानों ने सिंध में पहले बनाया था तो देट इज मंसूरा तो मंसूरा जो था देट ठीक है तो ये जो है सो बनाया था इन्होंने मुस्लिम्स ने वेन दे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ठीक है तो यही चीजें कुछ हैं बुनियादी तौर पर जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं उनमें एक दो और भी आपको बता दूं सेकेंड थिंगट के मोहम्मद बिन कासिम क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के पहले का तो हमें पता है बट हुसिम तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छा उसमें वो जो हमारे पास है बंदा वो है यजीद बिन मोहल्ल ये बस आप याद रखिएगा क्योंकि नाम बहुत ही ज़्यादा थोड़े टिपिकल हैं बट हम इनमें से प्रैक्टिस करते आएंगे तो चीज़ें हमें ज़्यादातर क्लियर होते जाएंगी दूसरा सवाल होता है कि हाउ मेनी ईयर्स अरब रूल्ड ओवर सिंध तो देट इज़ टू हंड्रेड एंड एट्टी टू ईयर्स दो सौ बयासी सालों तक उन्होंने जो है सो सिध के अंदर हुकूमत की थी और पहली जो फर्स्ट मस्जिद थी फर्स्ट मास्क वाज कंस्ट्रक्टेड वो जो है हमारे पास जो है बम्भोर में बनाई गई थी येस अब्दुलगफ़ार आई विल आई विल प्रोवाइड द नोट्स अच्छा किसी स्टूडेंट ने वो सोबिया ने पिछ, पिछली क्लास में कहा था कि uh, मैं थोड़ा जल्दी में चीज़ें समझा रहा हूँ उसके पीछे वजह ये थी कि अगर मैं जल्दी में चीज़ें आपको नहीं समझाऊंगा तो हम बहुत ही कम चीज़ें कवर कर पाएंगे और ये सारी चीज़ों का मैं आपको देता हूँ रिव्यू ठीक है द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टू बी कवर्ड बाई यू आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होगी आई विल बी देयर इन ऑर्डर टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग बाकी जो है सो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी बिकॉज वी वी हैव शार्टेज ऑफ टाइम वन मंथ और फोर्टी डेज में भी सो तो उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे एंड बिकॉज वी हैव अ स्ट्रक्चरड सिलेबस तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट इन आर्डर टू अकोमोडेट आर सेल्स इन दैट वेरी स्पेसिफिक टाइम तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को जो है सो जल्दी मैं आपको समझाता जा रहा हूँ बहरहाल दिस इज इट अबाउट मोहम्मद बिन कासिम जस्ट अ मिनट सेंड मी लेट मी सेंड अ लिंक टू दी स्टूडेंट

बिकॉज दे कुड नॉट मेक एन अंडरस्टेंडिंग अबाउट दिस वो कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है इसको समझना थोड़ा बहुत इट इज़ सम हाउ ट्रिकी और ये बहुत बहरहाल इट इज़ सम हाउ टाइम टेकिंग ठीक है तो अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ को व वो कवर करने की कोशिश नहीं करते बहरहाल इनशाला टूडे तो वी विल ट्राई टू कवर द थिंग्स फ्राम आवर <coughs> रेस्पेक्टिव प्रस्पेक्टिव ताकि आपको चीज़ें जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगें और आपको पता हो सकें अच्छा इसको मैं शुरू करता हूँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन इंडिया डायनेस्टिक पोलिटिक्स इन इंडिया या डायनेस्टीज आप कर लें ठीक है इंडिया भी कहते हैं वी डू कॉल इट इंडियन सब कॉन्टीनेंट इज एज वेल क्योंकि ये डायनेस्टिक वाला जो भी सीने बर ये पहले पहले जो शुरू हुआ था अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और कोशिश करिएगा इनको जितना आप गौर से सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा आई एम आई विल मेक यू अवेलेबल दी रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर एज वेल इनशाला आज के हमारे इस लेक्चर के बाद आपको दिल्ली मुस्लिम सल्तनत के हवाले से जो भी एम्बिग्यूटीज़ हैं दोज विल भी कवर्ड इनशाला ठीक है तो सबसे पहले हम हमें तो ये पता होना चाहिए कि पहले पहले जो थे गजनवी थे ये आपको पता होगा फिर आए थे गोरी ये बहुत ही जो है सो हमें चीज़ें लाजम तौर पे पता होना चाहिए गजनवी थे गोरी थे ठीक है अच्छा उसके अलावा इन इन दोनों की जो है सो ना एक आप, अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिर सलेब थे फिर खिलजी थे फिर तुगलक थे फिर आपके पास सैयद थे और फिर लोधी थे अच्छा यहाँ तक आपके जो है सो ये जो डायनास्टिक वाला बहरहाल है यहाँ पे पूरा होता है लेकिन इसमें फिर बाद में आपके आते हैं मुगल्स ये आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर लाजिम तौर पे आना चाहिए ये चीज़ याद रखिएगा ये यहाँ से सिलेव खिलजी तुगलक सैयद एंड लोधी ये जो पाँच हैं ये पाँच आपकी जो है सो दिल्ली मुस्लिम सल्तनत के पार्ट हैं दीज फाइव सिलेव, खिलजी तुगलक सैयद मुगल्स को हम अलग से देखते हैं और ऊपर जो है गजनवी और गोरी पहले हम इनको समझते थे कि ये है क्या और ये हम इनको फिर क्यों काउंट करते हैं सो okay. so, सिलेव खिलजी तुगलक सैयदी इन पे हम बाद में आएंगे फर्स्ट वी विल डिस्कस हु हुर दी गजनबीज देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड वाई दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट अच्छा सबसे पहले कमिंग टू देट आते हैं हम गजनवी पे गजनवी जो थे सबसे पहले ये एक अफगानिस्तान का शहर है गजनी शायद आपने सुना हो ठीक है दे गार्ड देयर ओरिजिनेशन फ्रॉम देयर ठीक है इसको हम कहते हैं गजनी डायनेस्टी अच्छा गजनी डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट लास्टेड फ्राम नाइनटीन टू एट्टी सिक्स ये ये डेट्स याद रखिएगा क्योंकि पहले मैं जब इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा था आई डिड नॉट डिस्कस सच थिंग्स कि ये चीज़ें याद रखें बट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी रिटर्न एग्जाम तो उसमें ये चीज़ें लाजम आपको पता होनी चाहिए कि एट लास्ट डेट फ्राम नाइनटीन सेवनटी सेवन टू अलेवेन्थ एटी सिक्स मतलब तकरीबन इसकी जो थे इस इनके कुल जो है सो हुक्मरान थे दोज वर नाइनटीन रूलर्स इसके गजनी डाइनेस्टी कहते थे ठीक है और इसकी जो हुकूमत रही थी इट लास्टेड फॉर टू हंड्रेड एंड नाइन ईयर्स 209 सालों तक इनकी हुकूमत रही एट एट नाइनटीन रूलर्स अच्छा पहले जो जी चीज़ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड कीप इन माइंड फर्स्ट के पहला उनका रूलर कौन सा था ठीक है फर्स्ट रूलर हु आज दी फर्स्ट रूलर हु फाउंडेड द डायनेस्टी एंड देन द लास्ट रूलर ठीक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सो इट्स फर्स्ट रूलर वाज सिपथ गेंद मे बी यू हैव यू नो अबाउट हिम या आपने कभी पढ़ा हो और उसका जो लास्ट था दैट इज खुसरो मलिक ये चीजें आप लिखते हैं अपने पास तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि आपके जो अपने होंगे वो नोट्स वो ज्यादा बेहतर होंगे ठीक है अच्छा अफगानिस्तान में पहले क्या होता था सिटी स्टेट्स का एक तस्वर था तो सबसे पहले सिटी स्टेट्स बनी थी गजनी के अंदर याद रखिएगा जिसको सिटी स्टेट ऑफ गजनी हम कहते हैं ठीक है अच्छा वो बनी थी नाइन सिक्सटी में बनी थी और वो जिस बंदे ने बनाई थी जो फाउंडर था इसका सिटी स्टेट ऑफ गज़नी का ये याद रखिएगा सिटी स्टेट ऑफ गजनी 962 में बनी उसका फाउंडर अलग था और जो गज़नी डायनेस्टी थी उसका फाउंडर अलग था सिटी स्टेट इज़ एल्स और गजनवी जो डायनेस्टी है दैट इज़ समथिंग एल्स ये चीज़ याद रखिएगा वो जो फाउंडर था इसका था अक्त गेंद आपने शायद सुना हो ठीक है अब्दुल मलिक इसका ये टाइटल था अक्त जो है सो अब्दुल मलिक ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिटी स्टेट ऑफ गजनी ऑन अदर एंड गजनवी जो डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर था था ठीक है अच्छा इसको जो खुरसानी गवर्नमेंट भी कहा जाता है ये अक्सर सवाल इस किस्म के पूछते हैं सो देट इज आल्सो नोन एज खुरासानी गवर्नमेंट अच्छा उसके अलावा वो मतलब ये पहली मरतबा था मतलब मैंने जितना तारीख में पढ़ा है कि ये जो इनकी सिटी स्टेट ऑफ गजनी थी उनके ऊपर जो अटैक होता था ना देट वॉज फ्रॉम दी साइड ऑफ इंडिया यानी उस वक्त इंडिया इनके ऊपर अटैक करता था और वो उस वक्त अटैक करवाता कौन था उसको हम कहते हैं हिंदू राजशाही हिंदू राजशाही ऑफ जयपाल जयपाल जो था उनको लीड कर रहा था राजशाही का मतलब है कि कंबाइंड फोर्सेस ऑफ जो हिंदूज थी दे यूज्ड टू तो अटैक सिटी स्टेट ऑफ गजनी जब भी उनको मौका मिलता था तो वो गजनी के ऊपर अटैक करते थे दूसरी मरतबा उन्होंने अटैक किया था नाइन हंड्रेड एंड नाइनटीन सिक्सटी नाइन में नाइन हंड्रेड एंड नाइन ठीक है तो इस मरतबा उन्होंने किया था लेकिन ये लास्ट था 1991 में उसके बाद जो अटैक शुरू हुए वो गजनी की तरफ से आए और वो अटैक्स और किसी बंदे की तरफ से नहीं थे बट दिट इज वेरी फेमस पर्सन शायद आपने सुना होगा दैट इज मोहम्मद गजनवी सुना होगा आपने शायद अच्छा मोहम्मद जो गजनवी थे इन्होंने पहला जो अटैक किया था इंडिया के ऊपर अच्छा इसने 1998 में पावर लिया ठीक है इसने बहुत ही ज्यादा अटैक किए इंडिया के ऊपर और सत्रह हमले तो इसके आपको याद होगा अच्छा ठीक है तशा आई एम ट्राइंग टू ओके थैंक यू फॉर कॉन ओके तशा आई एम गेटिंग योर कंसिडर जो है ना सजेशन एंड कंसीडरेशन तो पहला जो अटैक हुआ था बहरहाल इन्होंने ज्यादा किए थे अटैक सत्रह किए थे बट जो इसका लास्ट अटैक था दैट वाज वेरी मच फैटल एंड दैट इज वेरी फेमस इन हिस्ट्री दैट इज सोमनाथ सोमनाथ आपको याद होगा जो अटैक है सोमनाथ अटैक इज वेरी इंपॉर्टेंट सोमनाथ पे इन्होंने लास्ट टाइम जो अटैक किया था देट वाज़ इन 1026। ये बहुत ही फेमस है और इस पर बहुत ज़्यादा कुतुब लिखी गई हैं और यही मंदिर था व्हेन ही वाज सेड दैट यू शुड नॉट बी ब्रोकिन दी जो भी हैं आप आइडल्स तो ही तारीख में जो है सो तो बुद्ध बचाने वाला नहीं बुद्ध शिकन के तौर पे जाना जाना चाहता हूँ तो इसलिए इसने सोमनाथ मंदिर में जो भी उस वक्त पड़े थे भगवानों के स्टेचूज वगैरह वो सारे तुड़वा दिए थे तो ही ये बहुत ही बंदा फेमस है बहरहाल ठीक है ये महमूद गजनवी की डेट आप याद रख लें मोहम्मद गजनवी की जो है इसकी जो डेथ है वो ये दो नवंबर पे पैदा हुआ था ये मैंने अपने पास लिख के रखी है ये मुझे भी याद नहीं होती नाइन सेवनटी वन ठीक है यार नाइन सेवनटी वन आपको याद हो तो ये वन थाउजेंड एंड थर्टी में इसकी डेथ हुए थे अटैक्स के रीज़न ये थे हम उर्दू में कहते हैं एक शेर हर अच्छी चीज़ भी क्या बुरी चीज़ होती है उस पर जिसने भी नज़र डाली बुरी ही डाली तो शायद उस वक्त जो बरे सगीर का खिता था वो बहुत ही जरखेज़ था बहुत ही वो शानदार और आला था तो जिसको भी मौका मिलता था वो अपना फ़ायदा लेने के लिए बरे सगीर के ऊपर जो है सो वो अटैक कर देते थे जस्ट मिनट तो दे यूज़ टू अटैक वेन एवर द नीड भी उनको जब कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो वो इंडिया के ऊपर हमला कर देते थे तो इन्होंने भी इस वजह से किया क्योंकि उस वक्त भी जो सोना वगैरह जो लोग छुपाते थे तो वो मंदिरों में तो ये अटैक भी ज़्यादातर मंदिरों में करते थे अगर ऐसा होता इनको इस्लाम फैलाना होता इन कुछ लोगों को तो दे वुड हैड स्टेट देयर बहरहाल ये क्या करते थे यहाँ से झगड़ा वगैरह करके वो लूट मार करके चले जाते थे तो असल बात ये जो पैदा हुए बस आपको ये याद होना चाहिए नाइनटीन सेवनटी वन में पैदा हुए एंड ही डायड इन एलेवन और वन थाउजेंड एंड थर्टी ये बस याद रख रखना चाहिए आपको ठीक है कि नौ सौ इकहत्तर में पैदा हुए और वन थाउजेंड एंड थर्टी में इसकी डेथ हो गई थी तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट अबाउट हिम अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है देट दे आज ठीक है वो बुनियादी तौर पर किस चीज़ के हवाले से होता है कि भाई इसकी डेथ कैसे हुई तो ये चीज याद रखिएगा ही डाइड ऑफ मलेरिया वास्ड हिम लेथन ट्यूबर क्लासेस ठीक है यानी ये मलेरिया से बहरहाल मर गया था लेकिन उसकी वजह से फिर इसको टीबी भी हो गई थी तो ही डाइड आउट ऑफ ठीक है ट्यूबर क्लासेस की वजह से इसकी फिर डेथ हो गई थी अच्छा यहाँ पे इसका जो रूल था महमूद गजनवी का पूरा होता है क्योंकि ये बना था रूलर कब पैदा हुआ था नाइनटीन में ये चीज़ याद रखिएगा ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन पैदा कब हुआ था नाइनटीन में और ये 1030 तक चला तो इसका दौरे हुकूमत कितने साल चलेगा ऑलमोस्ट 32 टू ईयर्स तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए देट अच्छा, ही रूल फॉरमोस्ट थर्टी टू सो ईयर्स ठीक है अच्छा यही वो बंदा था कि इसका जो इसके बाद जो लास्ट था ना इनका जैसे जिस, मैंने आपको बताया खुसरो मलिक या खुसरो शाह जो लास्ट रूलर था गजनी डायनेस्टी का वो पहला बंदा था जिसने लाहौर को क्या किया था अपना ईस्टर्न कैपिटल बना दिया था उस वक्त लाहौर लाहौर के ऊपर उन्होंने जो लाहौर है उसके ऊपर उनका अटैक तो नहीं था बहरहाल उन्होंने फिर भी बना दिया था ये उन्होंने बनाया था कब इलेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू जो इनका लास्ट रूलर था खुसरो शाह तो ये एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दी गजनी डायनेस्टी अगर कोई भी सवाल हो तो इससे रिलेटेड आएगा आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट कि गजनी डायनेस्टी से रिलेटेड और कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो इन सवाल के अलावा जो हमने डिस्कस किए हैं कोई आएगा इज इट क्लियर